मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए डिंपल यादव ने सोमवार को नामांकन दाखिल कर दिया है। डिंपल के साथ उनके पति और सपा के मुखिया अखिलेश यादव भी मौजूद थे। दोनों ने पहले मुलायम सिंह यादव की समाधि पर श्रद्धांजलि दी और फिर नामांकन दाखिल किया। डिंपल कन्नौज से 2 बार सांसद भी चुनी जा चुकी हैं, जबकि 2 चुनाव में हार का सामना भी उन्हें करना पड़ा है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान डिंपल ने कन्नौज से चुनाव लड़ा था, तब उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक ने हराया था। सोमवार को दाखिल किए गए चुनावी हलफनामे में डिंपल ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। इसके मुताबिक उनके पास लखनऊ और सैफई में जमीन है। पिछले 10.5 महीने में उनकी संपत्ति घटी है। आइए जानते हैं कि डिंपल के हलफनामे में क्या क्या बताया गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अपनी कुल संपत्ति 40,14,00,000 से ज्यादा बताई थी। 10.5 महीने बाद ये घटकर 29,91,50,416 रुपए हो गई है। 2004 से अब तक अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने जितनी बार चुनावी हलफनामा दायर किया, हर बार उनकी संपत्ति में इजाफा हुआ। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब डिंपल अखिलेश की संपत्ति में कमी आई है। इस हलफनामे के मुताबिक डिंपल के पास 1,25,000 का कंप्यूटर, करीब 60 साल के गहने तो हैं लेकिन कार या बाइक नहीं है। इसी तरह अखिलेश यादव के नाम पर 76,000 का फोन, करीब 5.5 लाख की व्यायाम मशीन है लेकिन उनके पास भी कोई गाड़ी नहीं है। डिंपल के पास करीब 60,00,000 रुपए के गहने हैं, इसमें सोने चांदी हीरे और मोती के आभूषण शामिल हैं। इसके अलावा लखनऊ और सैफई में डिंपल के नाम जमीनें भी हैं। डिंपल ने 1993 में आर्मी पब्लिक स्कूल लखनऊ से हाई स्कूल की पढ़ाई की है। इसके बाद 1995 में इंटरमीडिएट और 1998 में बीकॉम की डिग्री ली। 2012 और फिर 2014 में 2 बार डिंपल कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद चुनी जा चुकी है। अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल को 20,00,000 का उधार दे रखा है। वहीं पिता मुलायम सिंह यादव को 2,13,00,000 से ज्यादा का उधार दे रखा था। इसी तरह डिंपल ने भी गोविंद बल्लभ चतुर्वेदी और राम चतुर्वेदी नाम के 2 लोगों को उधार दे रखा है। डिंपल यादव ने 2009 में पहली बार चुनाव लड़ा था। फिरोजाबाद सीट से उन्होंने उपचुनाव में कांग्रेस के राज बब्बर का मुकाबला किया था। हालांकि इस चुनाव में वह हार गई थी। तब उनके पास करीब 4 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। इसके बाद 2012 में डिंपल ने दूसरी बार लोकसभा का चुनाव कन्नौज से लड़ा। कन्नौज की सीट से पहले अखिलेश यादव सांसद थे लेकिन 2012 में मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तब हुए उपचुनाव में डिंपल यादव निर्विरोध जीत गई थी। उस वक्त डिंपल के पास 9,03,00,000 रुपए की संपत्ति थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव ने 28 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बताई थी। महज 2 साल में उनकी संपत्ति में 19 करोड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भी डिंपल ने अपने चुनावी हलफनामे में संपत्ति की जानकारी दी है। इस दौरान उनकी संपत्ति में करीब 9 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ था और ये बढ़कर 37,78,00,000 पहुंच गई थी। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।